नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर पटना से है। पटना वासियों के लिए एक खुशखबरी है। पटना के गर्दनीबाग में उप डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डाक की डिलीवरी समय पर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे स्पीड पोस्ट हो या ऑर्डिनरी डाक, या फिर जो लोग अपने परिजनों को चिट्ठी भेज रहे हैं, डिलीवरी सही समय पर होनी चाहिए। इस बात को मैं पूरी गंभीरता से लूँगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि गर्दनीबाग उप डाकघर प्राचीनतम डाकघरों में से एक है। इसकी स्थापना सन 1965 ईस्वी में हुई थी। यह डाकघर 1997 ईस्वी में सचिवालय सहकारिता भंडार समिति द्वारा एक कमरे में संचालित हुआ था। तब से लेकर अब तक डाक विभाग के कार्य व्यवस्था में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को पुष्प कुछ भेंट करेंगे वर्तमान चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार। जो भावनात्मक होते हैं, माननीय मंत्री जी जब यहाँ पहुंचे तो मैं सुन रहा था कि इस स्थल को जो आज उद्घाटन हुआ, यहाँ गर्दनीबाग उप डाकघर, तो उन्होंने आदेश किया कि इसको बड़ा ही अच्छा और सुंदर बना देना है। मैं इनकी भावनाओं को समझ रहा था, क्योंकि इनका बचपन और लालन पालन इसी गर्दनीबाग मोहल्ले में बीता है। और सौभाग्य से मानवर अरुण कुमार वर्मा जी हैं, लव कुमार मिश्रा जी हैं, और हम लोगों का भी बचपन इसी मोहल्ले में बीता है। और ये मोहल्ला एक नंबर से शुरू होता था और 40 नंबर रोड तक ये गर्दनीबाग सरकारी क्वार्टर्स में लोग रहते थे। और बगल में, जैसा कि बताया गया कि इस डाकघर से बगल में भीखाचक, चकबिंदा, सरिस्ताबाद, डमरिया, यारपुर और जितने भी तमाम लगे हुए महल्ले हैं, वो सब इस डाकघर से लाभान्वित होंगे। लेकर अपने डाक को लेकर के डाक की डिलीवरी समय से होनी चाहिए, चाहे वो आपका स्पीड पोस्ट हो या ऑर्डिनरी डाक। जो लोग भी डाक भेजें, चिट्ठी अपने परिजनों को भेजें, कोई डॉक्यूमेंट भेजें, तो उसकी डिलीवरी समय से होनी चाहिए। इस बात को मैं बहुत गंभीरता से लूंगा। ये मेरी अपेक्षा है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करिए, कमजोरियों को सुधारिए और अच्छे भविष्य की कल्पना करिए। रणवीर जी, आपने इसके आती है क्योंकि SMS चलता है, प्रेम पत्र भी आना बंद हो गया है क्योंकि वो भी मोबाइल से ही बातचीत हो जाती है, मनी ऑर्डर भी बंद हो गया है क्योंकि आजकल RTGS हो जाता है, तो हम लोग अपने को बहुत बेकार महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ करूंगा। आपने देखा होगा कि भारत में आजकल e-commerce बहुत कस के चल रहा है। देखो मित्रों, याद रखो, e-commerce छोटे शहरों में होता है, बड़े शहरों में तो दुकान भी है, मॉल भी है, लेकिन एक गांव में, एक कस्बे में भारतीयों की भावनाएं भी वही है कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो हमने पोस्टल विभाग को बहुत तेजी से e-commerce के डिलीवरी में लगा दिया, क्योंकि डाकिया हर गांव को जानता है, घर को जानता है, पोस्टल विभाग का सिस्टम है, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देश कैसे बदलता है। लगभग 700 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहे हैं ई कॉमर्स से पोस्टल विभाग के। मैं मुंबई गया था तो परल में आपका एक बड़ा सेंटर है, यहाँ पोस्टल विभाग के लोग हैं,